हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, सक्सेस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। जनरल स्टडीज़ पेपर 1 का पॉइंट नंबर 11 जो मैंने आपके साथ शुरू किया था, जिसमें मैंने बताया था आपको सेलियंट फीचर्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि उस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो सेलियंट फीचर्स में हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी, जिसमें सरफेस रिलीफ ऑफ द ग्लोब, सीज, ओशन और एयर, इन सब की स्टडी हम करते हैं फिज़िकल ज्योग्राफी में। देन हमने बात की थी ब्रांचेस क्या हैं फिज़िकल ज्योग्राफी की, तो जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी एंड बायोजियोग्राफी। नाम ज़रूर याद रखिए, हिंदी में आप इसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि किसका क्या रहेगा। थोड़ा सा मेहनत आप भी कीजिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में मैं पढ़ाऊँगी, क्योंकि मुझे भी एग्ज़ाम इंग्लिश मीडियम में ही देना होता है, तो मुझे डबल एफर्ट करना पड़ता है। साथ में वर्किंग होने के कारण इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हिंदी में मैं उसे कन्वर्ट कर पाऊँ। तो आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए, थोड़ा सा एफर्ट कीजिए, पर हाँ, मैं आपको समझाने का और किस तरह से आपको क्वेश्चंस को आंसर करना है वो ज़रूर बताना चाहूँगी, और क्या क्या इस वीडियो में रहेगा वो भी आपको बताने की पूरी कोशिश रहेगी, ताकि आपका ये जो पॉइंट नंबर 11 है वो पूरी तरह से फिनिश हो जाए। तो हमने बात की थी पिछले लेक्चर में रीसेंट ट्रेंड्स की, ये भी आप देख सकते हैं पुराने वीडियो में। और फिर मैंने कहा था वी विल स्टडी अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, ओशन करंट, विंड्स एंड ग्लेशियर। तो अब हम करने जा रहे हैं ये अर्थक्वेक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। तो आज के लेक्चर में अर्थक्वेक में रहेगा डेफिनेशन एंड मेजरमेंट। यू कैन सी इन योर स्क्रीन डेफिनेशन और मेजरमेंट रहेगा, एंड देन आपका रहेगा फोकस एंड एपिसेंटर, फिर कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, क्या रीज़न है अर्थक्वेक क्यों आते हैं, फिर अर्थक्वेक के जोन्स क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ अर्थक्वेक आते हैं। इस लेक्चर में मैं ये चार पॉइंट्स कवर करूँगी। ये जो तीन पॉइंट्स हैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड किए जाएंगे, मेजर अर्थक्वेक्स, इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स एंड अर्थक्वेक डिज़ास्टर मैनेजमेंट, कैसे मैनेज करना है जब अर्थक्वेक आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हम दूसरे लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये जो चार पॉइंट्स हैं ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर पॉइंट्स हैं। तो डेफिनेशन, मेजरमेंट, फोकस, एपिसेंटर, कॉजेस एंड अर्थक्वेक जोन्स की बात हम आज करेंगे। तो हाँ, बने रहिए हमारे साथ। तो आज अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि अर्थक्वेक को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, भूकंप को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो जब रॉक का डिस्प्लेसमेंट होता है, यू कैन सी हेयर शेकिंग कॉज्ड बाय रप्चर, रप्चर इज ब्रेकिंग, टूटना, एंड सब्सिक्वेंट डिस्प्लेसमेंट, टूटने की वजह से उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है वो कहीं एक स्थिति से दूसरी स्थिति में आता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वहाँ उस स्थिति में अर्थ के सरफेस पर मूवमेंट होती है, जिसे अर्थक्वेक कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वाइब्रेशंस होती है अर्थ के अंदर, इंटीरियर में भी, और उसके इफ़ेक्ट के रूप में अर्थ के सरफेस पे वाइब्रेशन होती है, जो कि होता है अचानक मूवमेंट या रॉक के टूटने से, जिससे कि प्रेशर का रिलीज़ होता है और इससे अर्थक्वेक आता है। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें अर्थक्वेक के अंडर आप डेफिनेशन जब लिखेंगी तो कौन कौन से पॉइंट्स आप उसमें कवर करेंगे। तो एक है नेचुरल एंड मैनमेड स्ट्रेस, यानी कि नेचुरल रीजंस भी हैं अर्थक्वेक के और मैनमेड रीजंस भी हैं, जो हम आपको अभी आगे कॉजेज में बताएंगे। फिर वाइब्रेशन एंड मूवमेंट, इस रीजंस की वजह से, स्ट्रेस की वजह से वाइब्रेशन या मूवमेंट होते हैं, और उसकी वजह से शेकिंग और वाइब्रेशंस के थ्रू शेकिंग एंड ट्रेमर्स आते हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन, यानी कि डेफिनेशन में तीन चीज़ें आती है, वाइब्रेशंस, रॉक के टूटने और अचानक मूवमेंट से, और प्रेशर का रिलीज़ होता है तो उससे अर्थक्वेक आता है। अब हम जानते हैं कि मेजरमेंट क्या है। जब हम कोई अर्थक्वेक आता है तो हम उसको मेजर कैसे करते हैं। एक बात यह है कि अर्थक्वेक आने से पहले हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते कि अर्थक्वेक आ गया, लेकिन आ गया तो हम कैसे
उसको उसकी मैग्नीट्यूड को नापेंगे, उसकी इंटेंसिटी को नापेंगे और वेव्स को मेजर करेंगे। तो मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, अर्थक्वेक का परिमाण हम ले सकते हैं रिक्टर स्केल से, रिक्टर स्केल से हम उसका जो अर्थक्वेक की जो मात्रा है, उसका जो विस्तार है क्वांटिटी टर्म में, उसके विस्तार को रिक्टर स्केल से हम माप सकते हैं। दूसरी तरफ इंटेंसिटी, जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी को नापने के लिए आपके सामने यह है स्केल, मर्केली का स्केल है। मर्केली का स्केल यूज़ होता है अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को नापने के लिए, कि इंटेंसिटी मींस कितना हेवी रहा है, कितना वीक है या कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या ये सिर्फ डिस्ट्रप्टिव है, क्या ये डिज़ास्टर है या ये कैटास्ट्रॉफी है, यानी कि कितनी ज़्यादा क्षति पहुँच सकती है, कितना हेवी लेवल का अर्थक्वेक था, ये हम जान सकते हैं मर्केली स्केल से। यानी इंटेंसिटी के लिए मर्केली है, मैग्नीट्यूड के लिए रिक्टर है, तो याद रखिए इसे। फिर है वेव्स ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के जो वेव्स हैं, जो आपने पढ़ा होगा कहीं पी वेव्स होती हैं, एस वेव्स होती हैं, तो ये जो वेव्स हैं इनको नापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज़ होता है। तो सिस्मोग्राफ भी वेव्स ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए यूजफुल है। आगे हम देखते हैं कि अर्थक्वेक का फोकस क्या क्या होता है और एपिसेंटर क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो फोकस है ये है फोकस अर्थ का। तो फोकस जो है वो इनिशियल पॉइंट होता है, जो कि ओरिजिन पॉइंट होता है किसी भी रॉक के रप्चर का, यानी टूटने का, इन द क्रस्ट, क्रस्ट के अंदर, यानी अर्थ के क्रस्ट के अंदर जो भी इनिशियल पॉइंट है, जहाँ पर दो प्लेट्स का फॉल्ट प्लेन है, उसका दो प्लेट्स के डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट बॉर्डर मिल रहे हैं, वो होता है फोकस, फोकस ऑफ द अर्थक्वेक, जो कि इंटीरियर पार्ट में होता है, ओरिजिन पार्ट में होता है। देन हम बात करेंगे एपिसेंटर की। एपिसेंटर है जो कि लैंड के सरफेस पर, यानी अर्थ के सरफेस पर जो पॉइंट है, ऊपर जो पॉइंट है, उसको हम कहते हैं एपिसेंटर। तो ये जो एपिसेंटर होता है वो डायरेक्टली इस फोकस से ऊपर होता है, डायरेक्टली इस फोकस से ऊपर वाले पॉइंट को एपिसेंटर कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एपिसेंटर अंदर का पार्ट होता है, जिसे हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। तो आप ये सब टर्म अगर अपने क्वेश्चन आंसर में यूज़ करेंगे तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो याद रखिए एपिसेंटर और हाइपोसेंटर या फोकस। नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, रीजंस क्या हैं, क्या कारण हैं अर्थक्वेक आने के। तो फोर मेजर रीजंस हैं, इसके लिए आप सोर्स रेफर कर सकते हैं इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, माजिद हुसैन। इन्होंने चार फैक्टर्स दिए हैं, चार कॉजेज दिए हैं, जो रीजंस हैं, कारण हैं अर्थक्वेक के, और इसको एक्सप्लेनेशन मैंने अपनी तरह से किया है, तो आप उस बुक में से भी पढ़ सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं। तो अर्थक्वेक के चार रीज़न हैं, पहला प्लेट टेक्टोनिक, दूसरा वोल्केनिक इरप्शन, तीसरा फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, एंड चौथा एंथ्रोपोजेनिक। तो आप जानते हैं प्लेट टेक्टोनिक, तो हम इसे समझने के लिए चलते हैं एक वेबसाइट पे, ये है वेबसाइट जियोलॉजिकल सर्वे की वेबसाइट, आप देख सकते हैं वेबसाइट है जियो एस ओ सी सोसाइटी का, ये शॉर्ट टर्म है .org.uk। प्लेट टेक्टोनिक के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, तो हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहेंगे इसमें। देख सकते हैं आप सामने ये वेबसाइट द जियोलॉजिकल सोसाइटी, आप ज़रूर इसे रेफ़र करें इस इन चीज़ों को समझने के लिए। मैंने थोड़ा सा उसको रेफ़र किया है, आप और भी रेफ़र कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये वीडियो जिसमें अर्थ को कैसे दिखाया गया है, एंड देन उसको प्लेन कर दिया गया और फिर एक मैप के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। अब ये जो मैप है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैप है और ये बहुत ही इंटरैक्टिव मैप है। आप इस वेबसाइट पे जाकर इससे गेम खेल सकते हैं इसको समझने के लिए। तो अब हमारे सामने ये एक वर्ल्ड मैप है, हम देखते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स कहाँ कहाँ हैं।
तो ये आप देख सकते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, ये सारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये देख सकते हैं अफ्रीकन प्लेट, ये आपकी इंडियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट, फिर ये आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये पूरा भाग नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का है। फिर यहाँ पर पैसिफिक प्लेट, ये बीच में छोटी सी प्लेट फिलिपिन प्लेट है, फिर ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, नीचे अंटार्कटिका प्लेट है, फिर आप आ गए यहाँ पर साउथ अमेरिकन प्लेट है, फिर नास्का प्लेट और ये पैसिफिक प्लेट। ये छोटी छोटी प्लेट्स हैं, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये इसका छोटा सा भाग इधर है। तो आप यहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं, इसके साथ प्ले अलॉन्ग कर सकते हैं। अब देखिए ये आपकी प्लेट्स हो गई, अब हमें देखना है कि डायरेक्शन ऑफ प्लेट मूवमेंट क्या है। ये देखिए प्लेट मूवमेंट के डायरेक्शन, ये वाली प्लेट इस तरफ मूव कर रही है, ये वाली प्लेट इस तरफ मूव कर रही है। ये जो एरोज आपको दिख रहे हैं, ये मैं हटाती हूँ, ये एरो आपको जो दिख रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कौन सी प्लेट किस तरफ मूव करती है। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि डाइवर्जेंट प्लेट कहाँ पर है, क्योंकि डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट या फिर ट्रांसफॉर्मेटिव प्लेट, एक डाइवर्जेंट प्लेट होती है इस तरह की जो दूसरी दूसरी दिशा में जाती है, एक ये इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ जा रही है, तो ये हो गई डाइवर्जेंट प्लेट। कन्वर्जेंट प्लेट कौन सी होती है आपको दिखाते हैं, ये रेड जो हैं वो सारी कन्वर्जेंट प्लेट हैं। कन्वर्जेंट प्लेट यानी कि दोनों आपस में आपस की तरफ आ रही हैं, जैसे ये वाली प्लेट इस तरफ जा रही है, इधर से एक प्लेट आ रही हो, तो वो आपस में एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो उसे कन्वर्जेंट प्लेट कहते हैं। तीसरी है कंजर्वेटिव प्लेट यानी ट्रांसफॉर्मेटिव प्लेट, जो एक दूसरे के आसपास होती हैं और ऊपर नीचे जाती हैं। तो ये जो ग्रीन कलर वाली है, येलो कलर वाली, वो आपकी हो गई कन्वर्जेंट प्लेट। तो आप देख सकते हैं कि ये जितने भी एरियाज हैं यहाँ पर अर्थक्वेक आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, यहाँ पर अर्थक्वेक आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब ये आपको कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट प्लेट्स सब दिख रही है। अब मैं दिखाती हूँ आपको अर्थक्वेक डिस्ट्रीब्यूशन, ये है अर्थक्वेक डिस्ट्रीब्यूशन जो कि ये ग्रीन ग्रीन डॉट्स में है। तो ये ग्रीन ग्रीन डॉट्स आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ ये प्लेट्स हैं वहाँ वहाँ अर्थक्वेक जोन है, अर्थक्वेक एरिया है। ये देखिए ये जो येलो वाला पार्ट है वो सारा अर्थक्वेक डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं आपको पढ़ाने वाली थी अर्थक्वेक जोन्स, तो अर्थक्वेक जोन्स यही हैं। तो आप देखिए वॉल्केनिक इरप्शन कहाँ कहाँ होता है, ये जो रेड रेड आया अभी ये है वॉल्केनिक इरप्शन। ये देखिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ वॉल्केनिक इरप्शन होता है। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ प्लेट्स हैं हमारी, प्लेट्स की बाउंड्रीज हैं, ये प्लेट्स की बाउंड्रीज हैं जहाँ जहाँ, ये देखिए प्लेट्स की जहाँ जहाँ बाउंड्रीज हैं वहाँ वहाँ अर्थक्वेक डिस्ट्रीब्यूशन है, और वहीं वहीं ऑलमोस्ट वहीं वहीं वॉल्केनिक डिसरप्शन भी है। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ टेक्टोनिक प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट्स जहाँ हैं उन्हीं के इर्द गिर्द आपको अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा, वहीं वहीं ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं और वहीं ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शन भी होते हैं। तो ये आप ये एक्टिविटी यहाँ इस वेबसाइट पे आकर कर सकते हैं, फ्री में कर सकते हैं, तो प्लीज़ इसे रेफ़र कीजिए, क्योंकि आप खुद करेंगे तो आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने देखा कैसे प्लेट टेक्टोनिक, कैसे प्लेट्स एक दूसरे की तरफ इंटरैक्ट करती हैं कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ट्रांसफॉर्म वे में। तो आप देख रहे हैं अब कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, सब जो हमने एक्टिविटी की उसमें हमने प्लेट टेक्टोनिक की बात की, उसमें हमने वॉल्केनिक इरप्शन भी काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन देखा कि जब वॉल्केनो के इरप्शन होता है तो भी अर्थक्वेक आते हैं। फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग जो हमने डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्मेटिव देखा, देखिए डाइवर्जेंट जो होता है उसमें जो प्लेट्स होती हैं वो दूसरी दूसरी दिशा में जाती हैं, ये देखिए इस तरह से ये दो प्लेट्स हैं, एक इधर जाएगी और एक उस तरफ जाएगी। कन्वर्जेंट में दोनों एक ही दिशा में होंगी, दोनों एक ही दिशा में होंगी इस तरह से, तो ये हो गई कन्वर्जेंट। फिर आपकी होती है ट्रांसफॉर्मेटिव, ट्रांसफॉर्मेटिव में इस तरह से होती हैं,
ऊपर नीचे, एक ऐसे जाएगी और दूसरी ऐसे जाएगी, तो ये हो गई ट्रांसफॉर्मेटिव। ठीक है, तो ये फोल्डिंग और फॉल्टिंग के थ्रू भी अर्थक्वेक आते हैं। जब ये प्लेट्स इधर उधर मूव करती हैं तो फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग होता है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। अब हम बात करेंगे एंथ्रोपोजेनिक रीजंस की, जो कि हम मानव जनित कारण कहते हैं अर्थक्वेक के। तो मानव जनित कारण आप देख सकते हैं, जैसे माइनिंग है, डीप माइनिंग होती है, एक्सप्लोजन होता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, ये माइनिंग है, या डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स जब हम बनाते हैं, तो ये हम, क्योंकि ये मानव जनित है, ये सब मानव करता है, तो ये जो कॉजेज हैं अर्थक्वेक के, ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक आ सकता है। इसके लिए, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आई हैव अ वीडियो, ये नेशनल ज्योग्राफी चैनल, आप देख सकते हैं। These are some of the biggest earthquakes that are thought to be have been caused by human activity, human interference से। देखिए चाइना में 2008 में एक भूकंप आया था, जो कि डैम के कंस्ट्रक्शन और फिलिंग के कारण यहाँ अर्थक्वेक आया था, आप देख सकते हैं वीडियो में। नेपाल में 2015 में आप सभी ने फील भी किया होगा, दिल्ली में भी इसके झटके, यूपी में भी इसके झटके थे, तो लाइकली इट वॉज कॉज्ड बाई ह्यूमन इंटरफेरेंस। A new study and database aims to track earthquakes proposed to have been triggered by human activity. ओक्लाहोमा 2016 में जो अर्थक्वेक आया था, ये आया था वेस्ट वाटर इंजेक्शन की वजह से। हम जो वेस्ट करते हैं वाटर, इसकी वजह से। माइनिंग प्रोजेक्ट और वाटर इन डैम आर द टू मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड कॉजेज। यू कैन रेफर दिस इन योर आंसर ऑल्सो, अपने आंसर में भी आप लिख सकते हैं कि माइनिंग और जो रिजर्वॉयर डैम्स हैं उनकी वजह से ये अर्थक्वेक्स आए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया आपका एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक जोन्स की बात करते हैं। हमने अभी वीडियो में भी देखा कि कितनी जगह पर अर्थक्वेक्स आए हैं, मेजर अर्थक्वेक्स, एंड देन वी आल्सो सॉ इन द मैप आल्सो कि कहाँ कहाँ अर्थक्वेक जोन्स हैं, जहाँ जहाँ प्लेट्स हैं वहाँ वहाँ अर्थक्वेक जोन्स हैं। तो अब आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे सामने ही कि इंडिया का मैप दिया हुआ है, और इंडिया इसमें डिफरेंट कलर्स शो किए गए हैं, और आप देख सकते हैं कि जोन्स डिवाइड किए हैं, जोन्स 1, 2, 3, 4, 5। तो रिवाइज्ड है इक्विवेलेंट जोन्स ऑफ कंटेम्प्रेरी मैप। जोन 1 जो है वो ये, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि कहाँ कहाँ अर्थक्वेक्स ज़्यादा आते हैं। तो इंडिया में अर्थक्वेक जोन्स कहाँ कहाँ हैं, तो हिमालयन बेल्ट, हिमालयन बेल्ट में बहुत सारे भूकंप आते हैं, तो ये जोन 1 में भी आता है। फिर आपका इंडो गंगटिक एलोवियल ट्रैक है, वहाँ रन ऑफ कच्च, रन ऑफ कच्च में भी भूकंप का ज़्यादा जोन कहते हैं इसे, एक जोन माना जाता है जहाँ पर ज़्यादा अर्थक्वेक आ सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें वर्ल्ड मैप की, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये जो जियोलॉजिकल सोसाइटी वाला ये वर्ल्ड मैप है, इसमें अगर हम अर्थक्वेक जोन्स की बात करें तो ये हैं अर्थक्वेक जोन्स जो येलो में हैं। तो ये ज़्यादातर जो जगह हैं ये है हैती, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भूकंप के झटके होते हैं। ये देखिए यहाँ पर कन्वर्जेंट बाउंड्री भी है, तो ये हैती है वहाँ पे। एंड देन यहाँ आपका जापान में इस तरफ बहुत झटके आने की आशंका होती है। देख सकते हैं आपकी हिमालयन बेल्ट में, हिमालयन चाइना में भी और इंडिया में भी, हिमालयन बेल्ट में यहाँ पे ज़्यादा भूकंप के झटके आ सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट आप मैप में देखिए कहाँ कहाँ पे, ये समुद्र के अंदर की जगह है, तो यहाँ पर ज़्यादा नुकसान उतना नहीं होगा जितना कि इन जगहों पर, जहाँ लैंड है।
तो इस वेबसाइट पे जाकर आप जोन्स को और क्लियरली देख सकते हैं मैप के थ्रू। तो यहीं पर आज का वीडियो ख़त्म होता है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉजेज देख लिए, हमने देखा एंथ्रोपोलॉजिक कॉजेज, प्लेट टेक्टोनिक, वॉल्केनिक इरप्शन, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, ये सब हम देख चुके हैं। उसके बाद हमने फोकस एंड एपिसेंटर की पहले बात कर चुके हैं, मेजरमेंट की बात कर चुके हैं एंड डेफिनेशन की बात भी कर चुके हैं। अब हमारा रहता क्या है, रहता है हमारे ये तीन पोर्शंस, सम मेजर अर्थक्वेक्स, इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स एंड अर्थक्वेक डिज़ास्टर मैनेजमेंट। कैसे हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट करें वो हम आगे बात करेंगे। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिए और कैसे हम इसको और सुधार सकते हैं अपने लेक्चर्स को। और सॉरी कि ये इंग्लिश में वीडियो रहेगा और आपको इंग्लिश में ही PDF प्रोवाइड की जाएगी, बिकॉज़ इंग्लिश में ही बनाया गया है। पर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू, हम ज़रूर आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग सक्सेस मंच।